नमस्ते, नीता इन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन पारे और मठरी। नमकीन पारे और मठरी आप सुबह सुबह चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आइए देखें नमकीन पारे और मठरी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा। यह मैदा हमने छान लिया है। मैदा उसलने के लिए गुनगुना पानी, 40 ग्राम ऑयल, मोन के लिए नमक स्वाद अनुसार 3/4 टीस्पून अजवाइन और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें अजवाइन, नमक और तेल डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और अब इसे हम उसमें। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और इससे हम उसको अच्छे से उसलेंगे। गुनगुना पानी डालने से नमकीन पारे और मठरी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इस डो को हम बहुत ज्यादा नरम नहीं रखेंगे, इसे हम मीडियम कंसिस्टेंसी देंगे। अब हमारा यह डो तैयार हो गया है। नमकीन पारे या मठरी बनाने से पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अब हम इसका एक गोला बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। अब हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे। आप इसे जैसा काटना चाहे उस तरीके से आप काट सकते हैं। आप अगर इसे ज्यादा पतला रखेंगे तो यह जल्दी तला जाएंगे। आप अगर इसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो इसे आपको मध्य मध्य आंच पे तलेंगे तो यह अच्छे से तलेंगे। हमने इसे लंबे लंबे काट लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसे गरम गरम तेल में डालेंगे। और उसको डाल के हम तेल को मद्धा कर देंगे, नहीं तो ये बाहर से तो सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बीच बीच में आंच हम तेज भी करते जाएंगे। अब जब तक ये हो रहे हैं तब तक हम इधर मठरी बना लेते हैं। मठरी बनाने के लिए हम एक छोटा सा ऐसे गोला लेंगे ना, छोटा सा। और छोटा गोला लेने के बाद हम इसे हाथ से इसे दबा देंगे। इसको से दबाने के बाद हम इसमें इसे छेद कर देंगे। ये हमारी मठरी तैयार हो गई। इसी तरह से हम मठरियां बना लेंगे। छेद करने से यहाँ मठरियां फूलेगी नहीं। अब हमारे नमकीन पारे लाइट ब्राउन हो गए हैं और यह तल के तैयार हो गए। हम इसे निकाल लेंगे। अभी हमारा तेल गर्म ही है तो हम इसमें इसी प्रकार मठरियां भी तल लेंगे। मठरियां हम एकदम धीमे धीमे आंच पर जिससे हमने शक्कर पारे तले हैं वैसे ही तलेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। क्योंकि मठरियां थोड़ी सी मोटी होती है इसीलिए इसे अच्छी सिकाई की जरूरत होती है, नहीं तो यह बाहर से तो पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। अब बिल्कुल मध्य मध्य आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमारी मठरी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब आपके यहाँ क्रंची
नमकीन पारे और मटरी बनकर तैयार है। अब आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टैब पर क्लिक करें। थैंक यू।